हे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मेमोरी गेम खेलूंगा जिससे पता चलेगा कि आप अभी अपनी मेमोरी का कितने अच्छे से यूज कर रहे हो या कितना आप उसे यूटिलाइज कर पा रहे हो। गेम बड़ा ही सिंपल है। मैं आपको 10 अलग अलग वर्ड्स बोलूंगा, आपको वो अच्छे से सुनने हैं और उन्हें याद रखने हैं, बस। सो अगर आप रेडी हो तो लेट्स बिगिन। पेंसिल, स्टैंप, रेनबो, कारपेट, एप्पल, कॉक, प्लैनेट, मैगजीन, गोल्ड, वॉच। अब इस वीडियो को पॉज करो और फिर याद करो आपको टोटल 10 में से कितने वर्ड्स याद हैं। डन, ओके। सो अगर आप मेरी तरह एक एवरेज इंसान हो तो आपको 5 से 7 वर्ड्स याद होंगे, और ये भी मुश्किल है कि आपको वो करेक्ट ऑर्डर में याद होंगे। मैंने जब पहली बार ये ट्राई किया था तो मुझे बस 5 वर्ड्स याद थे। अब ये बात थोड़ी अजीब है क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा ब्रेन इससे बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटीज रखता है। इनफैक्ट एक स्टडी से पता चला है दैट हमारा ब्रेन एस्टिमेटेड 2.5 पेटाबाइट्स तक का डेटा स्टोर कर सकता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 1 पेटाबाइट मतलब 1024 टेराबाइट्स होता है और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GB बोलते हैं। 2.5 पेटाबाइट्स कितना ज्यादा होता है ये और क्लियरली समझने के लिए बताओ तो, अगर आप इतने डेटा का एक वीडियो जो टीवी क्वालिटी का होगा उसे देखना चालू करोगे और कंटिन्यूसली उसे देखते ही रहोगे तो भी आपको वो वीडियो पूरा देखने में 300 साल लग जाएंगे। इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हमारा ब्रेन रखता है। बट फिर ऐसा क्यों है कि जब हमें 10-20 अलग अलग वर्ड्स दिए जाते हैं या नंबर्स या पैराग्राफ तो वो हमें इजीली याद नहीं रह पाते, या याद हो भी जाते हैं तो उसे हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। इसका रीजन ये है कि मोस्टली हमारा उन चीजों को याद करने का तरीका और टेक्निक सही नहीं होती। ज्यादातर लोग चीजों को रट्टा मार के या बार बार पढ़ के याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमारा ब्रेन इन तरीकों से चीजों को याद रखने के लिए बना ही नहीं है, और ना ही ऐसे वो किसी भी मेमोरी को ज्यादा टाइम तक स्टोर रख पाता है। डोमिनिको ब्रेन 8 times वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बहुत स्मार्ट थे बचपन से या बहुत इंटेलिजेंट थे। इनफैक्ट वो तो एक पुअर स्टूडेंट थे जिन्हें डिस्लेक्सिया भी था, फिर भी वो मेमोरी चैंपियन बने क्योंकि उन्हें अपने ब्रेन को चीजें सिखाने और याद रखाने के प्रॉपर प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पता थे। अभी मैं आपको उनमें से ही कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप भी डोमिनिक या किसी भी दूसरे मेमोरी चैंपियन की तरह चीजें इजीली याद रख सकोगे। प्रिंसिपल नंबर 1, इमेजिनेशन। विलियम जेम्स ने अपनी बुक में बताया है कि इमेजिनेशन और मेमोरी एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी लाइफ की कोई भी पुरानी अच्छी बात मुझसे शेयर करो, तो आप वो मुझे बताने के लिए पहले उस एक्सपीरियंस को दिमाग में इमेजिन करना स्टार्ट करोगे और फिर मुझे वो इजीली बता दोगे, अगर आप वो इजीली इमेजिन कर पा रहे होगे तो। अलग वर्ड्स में कहूँ तो, आप जो चीज अच्छे से इमेजिन कर सकते हो आप वो चीज इजीली याद भी कर सकते हो। जब मैंने आपको वो 10 वर्ड्स याद करने बोले तब मेरी तरह ज्यादातर लोगों को वो सारे वर्ड्स याद नहीं हुए होंगे, और अगर कुछ लोगों को याद हो भी गए होंगे तो वो ज्यादा टाइम तक दिमाग में नहीं रहेंगे क्योंकि उन वर्ड्स के साथ हमने ज्यादा इमेजिनेशन नहीं जोड़ी होगी। मतलब जब मैंने ये वर्ड बोला एप्पल, तब अगर आप इमेजिन करके विजुअलाइज करते एक लाल कलर का बड़ा सा एप्पल जिसे आपने अपने हाथ में पकड़ा है, जिसे खाने के बाद आपको उसका टेस्ट बहुत मीठा लगा और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी, तो ऐसा इमेजिन करने से बहुत ज्यादा चांस हो जाते कि आपको एप्पल ये वर्ड अच्छे से दिमाग में बैठ जाता। अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने एप्पल को इमेजिन करने के लिए अलग अलग ह्यूमन सेंसेस को पिक्चर में लाया, जैसे कि वो कैसा दिख रहा था, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, एक्सेट्रा। ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि इमेजिनेशन करते टाइम आप अपने 5 सेंसेस में से जितने ज्यादा सेंसेस को इमेजिनेशन में डालोगे उतना ज्यादा चांसेस हो जाएगा कि आपको वो वर्ड या वो बात याद रहेगी। प्रिंसिपल नंबर 2, एसोसिएशन। यहां एसोसिएशन मतलब कोई भी एक चीज का दूसरी चीज से कनेक्शन होना, या एटलीस्ट हमें लगना कि वो दो चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल, कभी कभी हम कोई एक चीज देखते हैं या सुनते हैं तो हमें उससे रिलेटेड बहुत सी दूसरी चीजें याद आने लगती हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमारे दिमाग को एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें जल्दी याद होती हैं और बहुत अच्छे से याद रह जाती हैं।
लेकिन जब हमें चीजों के बीच में कनेक्शन नहीं दिखता तो हमें वो याद करने प्रॉब्लम होती है। फिर से सेम एग्जांपल, जब मैंने आपको वो 10 वर्ड्स बोले तो वो एक दूसरे से अलग अलग थे, इसीलिए आपको वो अच्छे से याद नहीं रह पाए। पर अगर मैं ऐसे वर्ड्स बोलता जिनके बीच में आपको इजीली कनेक्शन मिलता तो आपको वो इजीली याद भी रहते। जैसे कि अगर मैं पेंसिल के बाद बोलता इरेजर, रूलर, शार्पनर एक्सेट्रा, तो ये वर्ड्स आपको जल्दी याद होते क्योंकि ज्यादातर लोग इनके बीच में इजीली कनेक्शन और लिंक देख सकते हैं। सो अगर हमें अलग अलग चीजें याद करनी है तो हमें इमेजिनेशन का यूज करके उनके बीच में एसोसिएशंस बनाने चाहिए। ये दो प्रिंसिपल्स, इमेजिनेशन और एसोसिएशन का यूज करके एक टेक्निक बनती है जिसे स्टोरी मेथड कहते हैं। इस टेक्निक का यूज करके हम अपनी मेमोरी कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली देखने के लिए अब हम फिर से कुछ वर्ड्स को याद करने वाला मेमोरी गेम खेलेंगे, लेकिन इस बार हम उन्हें नॉर्मली याद नहीं करेंगे बल्कि इस स्टोरी टेक्निक से याद करेंगे और देखेंगे हमें कितने डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अपनी आंखें बंद रख के भी ये ट्राई कर सकते हो। बस जैसे जैसे मैं वर्ड्स और स्टोरी बोलते जाऊं आप उसे एकदम अच्छे से इमेजिन करते रहना। सो लेट्स बिगिन। साइकिल। इमेजिन करो आप एक लाइट ग्रीन कलर की साइकिल चलाते हुए कहीं जा रहे हो। पेडल मारते हुए आपको ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है और काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये साइकिल एकदम फ्री और कंफर्टेबल है। चॉकलेट। अब साइकिल चलाते चलाते आपको भूख लगने लगती है, सो आप पास की दुकान पे जाके अपनी फेवरेट चॉकलेट का पैकेट लेके उसे खाने लगते हो। गिटार। चॉकलेट खाते खाते आपको एक आवाज सुनाई देने लगती है। जब आप गौर से सुनते हो तो आपको समझ आता है कि यह आवाज गिटार बजने की है और वो गिटार से निकलती आवाज आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप उसके पीछे जाने लगते हो। सोल्जर। जब आप उस गिटार बजाने वाले के पास पहुंचते हो तो आप देखते हो कि वो आदमी एक सोल्जर है जो काफी लंबा और स्ट्रांग दिख रहा है और वो हंस के आपको देखने लगता है। सूटकेस। फिर जब आप उस सोल्जर के पैर के पास देखते हो तो आपको एक पुराना सा सूटकेस रखा हुआ दिखता है जिसमें लोग पैसे डाल के जा रहे होते हैं। नेकलेस। तभी एक औरत वहां आती है, उसे उस सोल्जर का टैलेंट इतना पसंद आता है कि वो अपना चमकता हुआ नेकलेस जिसमें एक डायमंड लगा होता है उसे निकाल के सूटकेस में डाल देती है। फुटबॉल। जैसे ही वो नेकलेस डाल के जाने लगती है उसे जोर से आके एक फुटबॉल लगता है। किड्स। फिर जब आप देखते हो कि फुटबॉल कहां से आया तो आपको पास में ही कुछ किड्स दिखते हैं जो अलग अलग गेम खेल रहे होते हैं। आपको समझ आ जाता है कि वो बॉल वहीं से आया होगा। मास्क। फिर जब आप सब बच्चों को अच्छे से देखने लगते हो तो आपको उनमें से एक बच्चा बहुत अलग दिखता है। अब वो अलग दिखता है क्योंकि उसने अपने चेहरे पे एक व्हाइट कलर का मास्क पहना होता है। ये मास्क आपको अच्छा लगता है दिखने में, सो आप उस बच्चे के पास जाने लगते हो। रोज। उस व्हाइट कलर के मास्क पे आपको रेड कलर का कुछ दिखने लगता है। फिर जैसे जैसे आप बच्चे के पास जाने लगते हो तो आपको रोज की खुशबू आने लगती है क्योंकि उस बच्चे के मास्क पे एक रेड कलर का रोज लगा होता है। स्टेपलर। जब आप उस बच्चे के एकदम पास पहुंच जाते हो तो आप देखते हो कि उस बच्चे ने उस रोज को खूब सारे स्टेपलर पिन मार के मास्क से चिपकाए होते हैं। रोड। फिर वो बच्चा मस्ती करते हुए भागने लगता है और एक गाड़ियों से भरे रोड की तरफ जाने लगता है। टोमेटो। भागते हुए अचानक उसका पैर एक टोमेटो पे आ जाता है जिसकी वजह से वो स्लिप होके गिर जाता है। रॉकेट। गिरने के बाद जब वो आसमान में देखता है तो उसे एक जलता हुआ बड़ा सा रॉकेट ऊपर जाता हुआ दिखता है। दिवाली। फिर वो रॉकेट जोर से आवाज के साथ फूटता है और आसमान में अलग अलग कलर्स के साथ हैप्पी दिवाली लिख के बन जाता है। दी एंड। अब वापस वीडियो को पॉज करो और देखो आपको टोटल कितने वर्ड्स याद हैं। अब सारे वर्ड्स प्रॉपरली बताने के लिए आपको पूरी कहानी स्टार्टिंग से रिक्रिएट करनी होगी दिमाग में। इस बार मैंने आपको 10 नहीं बल्कि 14 वर्ड्स बोले और अगर आपने अच्छे से स्टोरी को इमेजिन किया होगा तो आपको 10 से लेकर पूरे 14 वर्ड्स भी याद हो गए होंगे और वो भी करेक्ट ऑर्डर में। नीचे कमेंट करके अपने दोनों टाइम के स्कोर मुझे बताएं। अब ये स्टोरी मेरी इमेजिनेशन थी, इसलिए हो भी सकता है कि आपको वो सारे वर्ड्स एकदम इजीली याद ना हो पाए हो, लेकिन अगर आप खुद से अपनी इमेजिनेशन के साथ स्टोरी बनाओगे तो ये टेक्निक और बेटर काम करेगी।
और स्टोरी आप कैसे भी बना सकते हो, बस जितना हो सके उतना ज्यादा आप अपने अलग अलग सेंसेस को इमेजिनेशन में इन्वॉल्व करना और चीजों के बीच में थोड़ा सा तो लॉजिकल एसोसिएशन रखना। ये बस एक टेक्निक थी जो मेमोरी चैंपियंस यूज करते हैं। अगर आपको और दूसरी टेक्निक सीखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये प्रिंसिपल और ये एक टेक्निक मैंने आपको यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी बाय डोमिनिक ओब्रायन से बताई है। इस बुक में और भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स है जो आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। अगर आप वो सब सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ये बुक खरीद सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे, अपने स्कोर और व्यूज कमेंट करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें